इस बीच राज्य के सभी तालाबों की लगातार सफाई की जा रही है। तालाबों में पूजन के अवशेष फेंकने के लिए जलकुंड बनाए गए, लेकिन पूजा के अवशेष के साथ साथ प्लास्टिक भी फेंके जा रहे हैं, जिसकी वजह से तालाब का पानी दूषित हो रहा है। और ऐसा ही कुछ हाल रांची के बड़ा तालाब का है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अंजनी ने। हम रांची के बड़ा तालाब में है और बड़ा तालाब की क्या तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भी बताना चाहेंगे कि जो हम लोग कितने बड़ा तालाब को लेकर गंभीर हैं, एक तस्वीर पहले दिखाते हैं। देखिए, बड़ा तालाब पहले काफी गंदा था और अभी इधर लगातार कई जो पूजा हो रहा है, तो पूजा का जो अवशेष है वो तमाम चीजें जो है बड़ा तालाब में मतलब फेंका जा रहा है। और आपको बता दें कि रांची में जितने भी नगर निगम के तालाब हैं, पूजन अवशेष जो फेंकने के लिए मतलब लोकेशन में छोटे छोटे जगह बनाए गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से तालाब में जो है प्लास्टिक तक फेंका जा रहा है। सामने आप देखेंगे बोतल फेंका हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है और हम बड़ा तालाब के प्रति कितना संजीदा है ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ से सीधे तौर से आप तस्वीर देखिए, आपको सफेद जो प्लास्टिक है जो चारों तरफ बिखरा हुआ है, और नगर निगम के लोग जो है लगातार काम करते रहते हैं, और वैसे में ये तस्वीर जो है कहीं ना कहीं ये हमें बताने के लिए काफी है कि हम कितने लापरवाह हैं। साजिद भाई बताइए कि फिर से गंदा हो गया है और तालाब कैसे ये सुधार हो। सर देखिए, निगम कितना अच्छा भी व्यवस्था कर दे या सारे तालाबों में कितनी अच्छी सफाई कर दे, लोगों की मेंटालिटी अगर नहीं सुधरेगी तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, हर तालाब में क्या पूजन अवशेष फेंकने के लिए कुछ बनाया गया? जी, जलकुंड आप देख सकते हैं वहाँ पे बनाया बजाबते एक बैनर लगा हुआ है कि पूजा सामग्री आप यहाँ डालें, जिससे हम लोग को निकालने में आसानी हो। वो एक छोटा सा प्लेस बना हुआ है जिससे तालाब का ही अंश है, वो उस पर आप पूजा सामग्री डाल दीजिए, हम लोग उसको निकाल लेंगे। ये तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं ये हमें जरूर बता रहे हैं कि हम अपने तालाब को लेकर कितना संजीदा है, लेकिन अब जरूरत है हमें जो है तालाबों को साफ सफाई रखनी चाहिए। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि जहां नगर निगम लगातार काम कर रहा है और तालाबों में जलकुंड बना है, तो आप अवशेष वहीं फेंके। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।